Hello my dear students, this is PK Pawan. Today I am going to discuss numerical problems related to Newton's law of motion. So don't miss the video, watch the video till then. Students, ये हमारा एक question है और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई जल्दीबाजी में हम लोग 10 सेकेंड 20 सेकेंड में न्यूमेरिकल्स को कैसे डील कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक शोन इन फिगर। एक फिगर है हमारे पास और हमको वहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है ना। द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसिज आर फ्रिक्शनलेस। मतलब यहाँ पे पुली और जो स्ट्रिंग है ना वो लाइट है ना, मासलेस है, और जो सर्फेसिज है ना वो फ्रिक्शनलेस है ना। मतलब सर्फेस में किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए बात किया गया है कि नहीं। अब देख लो यहाँ पे, देखो हमको त्वरण निकालना है भाई, और चरखी, चरखी का मतलब होता है घिरनी है ना। चरखी और डोरी हल्की है और सभी सतहें घर्षण रहित है, और बाबू जी का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं। अब देख लो तो इसको कैसे मैं बनाऊंगा, ध्यान दो। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन तो मुझे बनाना रहता है भाई, हम करते क्या है समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो ध्यान दो, सुनोगे। ऐसे मान लो ना कि हमको इस तरह का प्रॉब्लम बनाना है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है ना कि जितने तरह के फोर्सेज बॉडी पे लग रहे हैं सारे फोर्सेज को दिखाना है कि नहीं। देख लो अगर मैं 1 kg बात, 1 kg बॉडी का बात करता हूँ, यहाँ पे लग रहा है कितना 1g है कि नहीं। इसका नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर भाई। इसका वेट किधर लगेगा, नीचे 1g है ना। अब देख लो ध्यान दो तो बाबू, आप देख लो ध्यान दो। देखो हमारा जो बॉडी है ना वो मूवमेंट किस एक्सेस में कर रहा है, बॉडी जब भी मूवमेंट करेगा वो एक्स एक्सेस में करेगा है कि नहीं। देख लो ये हमारे पास ये एक बॉडी है 1 kg का, और ये भी 1 kg का बॉडी है, और यहाँ पर पुली लगा हुआ है ठीक है। अब बताओ बाबू, तो भाई देख लो ये एक बाई एक्सिस में तो बॉडी कभी मूव करेगा नहीं है कि नहीं। तो इस बाई एक्सिस के फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं है कि नहीं। अब देख लो ये हमारे पास, ये देखो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा बताओ, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, टी टेंशन होगा है कि नहीं। स्ट्रिंग में टेंशन कितना हुआ, टी हुआ ठीक है। अब देख लो बाबू हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं सुन लो। एक्सेलरेशन फाइंड करने का मेथड क्या है देख लो, सिंस देख लो अगर मैं फोर्स का बात करूंगा ना, तो देखो ड्राइविंग फोर्स के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे देखो टोटल मास लेना है ठीक है, टोटल मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन है कि नहीं। हमको यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स में टोटल मास और क्या एक्सेलरेशन लेना है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है देख लो, टोटल मास समझ ही रहा होगा तुम लोग, मतलब तो कुल द्रव्यमान जितना उसका बॉडी का कुल द्रव्यमान होगा, सरफेस पे जितना द्रव्यमान उसका होगा, और एक्सेलरेशन मतलब क्या त्वरण हो गया है कि नहीं। अब देख लो तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ बाबू, तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या आता है, एफ ड्राइविंग बाई टोटल मास। देख लो ध्यान दो, अब देख लो एफ ड्राइविंग बाई क्या, टोटल मास, ये एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का रहेगा, वो फिगर का न्यूमेरिकल्स रहे या कोई भी न्यूमेरिकल्स रहे कि नहीं, हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अगर इंक्लाइन प्लेन का न्यूमेरिकल है या मान लो इंक्लाइन प्लेन नहीं भी है, तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। देख लो तो अगर हमको इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, देखो सबसे पहले इसमें पता लगाना है कि भाई इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, बॉडी को ड्राइव कौन कर रहा है, बॉडी के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा बाबू, बॉडी का नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है। देख लो यही इसका नेट ड्राइविंग फोर्स होगा, यही फोर्स जो है बॉडी को चला रहा है कि नहीं। देख लो बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा, ये बॉडी का एक्सेलरेशन इधर होगा है कि नहीं। अब देख लो तो अगर हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है इस फिगर में, तो कितना होगा बताओ, एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर इस फिगर में कितना, अब फार्मूला हो जाएगा एफ ड्राइविंग बाई टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 1g, अब बाई टोटल मास कितना हो गया बताओ, 1 kg प्लस 1 kg कितना, 2 kg हो जाएगा है कि नहीं। देख लो टोटल मास कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कितना, g/2 हमारा आंसर आएगा ठीक है, g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाबू g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लोग g के वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं है कि नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हमारे पास से, सुनो हमारे पास एक फिगर है और ये इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है। अब बताइए इंक्लाइन सरफेस पर अगर कोई फिगर है तो इसके लिए कंपोनेंट कितना ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना m1g sin थीटा है ना, और ये कितना हो जाएगा m2g
ये हो गया टेंशन, ठीक है। और हमको सुनो, बॉडी जब भी मूव करेगा तो इसी एक्सिस से मूव करेगा, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल मूव करेगा, है कि नहीं। तो जिधर बॉडी मूव करेगा हमको उस फोर्स से मतलब है, बाकी फोर्स से मतलब तो है नहीं। देखो यहाँ पे नॉर्मल भी लगेगा, ये आपका बाई एक्सिस का फोर्स भी लगेगा। अब देख लो M2 फिगर में बड़ा है तो M2 की तरफ एक्सेलेरेशन होगा, ये देखो ऊपर जाएगा। बाबू अगर यहाँ पर अगर एक्सेलेरेशन निकालना चाहूँगा, फार्मूला क्या हो जाता है, ड्राइविंग फोर्स बाई टोटल मास, है कि नहीं, एफ ड्राइविंग बाई क्या टोटल मास। बाबू अगर यहाँ पर टोटल मास में निकालता हूँ भाई, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा, एम टू जी माइनस एम वन जी साइन थीटा, है ना। बाई कितना, बाई हो जाएगा कितना, एम वन प्लस एम टू, ये इसका एक्सेलेरेशन हो गया। देखो इस कंडीशन में ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है भाई, बॉडी को तो यही फोर्स चला रहा है, बॉडी को मूव कौन करवा रहा है, एम टू जी, है ना। और एम टू जी का अपोज कौन करेगा, एम टू जी का अपोजिंग फोर्स कौन है, तो एम टू जी का अपोजिंग हो गया एम वन जी साइन थीटा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स हम निकालेंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स सुन लो भाई, जब नेट ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे ना, देख लो नेट ड्राइविंग फोर्स जब यहाँ मैं निकालूंगा भाई, तो इस कंडीशन में हमारा कितना हो जाएगा बताओ, और इस कंडीशन में हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी साइन थीटा बाई एम वन प्लस एम टू,